जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मा सीरीज में आज हम पॉलिटी प्रारंभ करेंगे और पॉलिटी में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान के निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में बताएंगे और इसके प्रस्तावना के बारे में इस वीडियो में बताएंगे और बताएंगे कि बीपीएससी दरोगा एंड अदर कंपटीशन में कितना मार्क का पूछा जाता है। इससे पहले 42 तक में आपको हिस्ट्री और साइंस टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, तो यदि आप अभी तक नहीं ये सब देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। ये यदि बीपीएससी के मद्देनज़र से देखें तो इसमें आपको 60 मार्क एवरेज 60 मार्क प्लस ही कहिए, 60 मार्क प्लस आपका ख़त्म हो चुका है और बच जो गया है वो अब 60 मार्क इधर कम कर दीजिए तो 90 मार्क बच गया, जिसमें 10 मार्क प्लस आपको पॉलिटी से आएगा। तो ये 5 से 10 वीडियो के बीच में पॉलिटिकल भी ख़त्म होने वाला है। सबसे पहले जो भी नए स्टूडेंट हैं उनकी सुविधा के लिए ब्रह्मा सीरीज की प्लान को समझिए। ब्रह्मा सीरीज में हम पहला वीडियो गाइड वीडियो जिसमें क्वेश्चन बैंक और सिलेबस का पूरा एनालिसिस करके बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सेकेंड वीडियो टेस्ट वीडियो है। टेस्ट वीडियो से आप ये समझ पाते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है और कौन सा टॉपिक पे आप ठीक ठाक हैं, कौन सा टॉपिक आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, ये आप खुद समझ पाएंगे। और लास्ट में देते हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो, कहीं कमी है यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है तो आप एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखिए। एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने से आपकी हर वो छोटी छोटी कमी जिस कमी की वजह से आप कहीं ना कहीं फेल्योर हो रहे हैं वो पूरा कमी सही हो पाएगा। यदि आप नए हैं तो मेरा सलाह है कि आप तीनों वीडियो रेगुलर देखिए। यदि आप रेगुलर देखते हैं तो आपको 4 महीना में पूरा बीपीएससी का सिलेबस ख़त्म होगा और पूरा बीपीएससी बीटी लेवल का आप तैयार भी हो पाएंगे। तो आप अभी तक यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल से जुड़े। सबसे पहले आप ये समझिए कि संविधान का निर्माण क्यों करना पड़ा। तो सबसे पहले आप समझिए कि हमारे देश, यदि ये देखिए ये भारत है, ये इतना बड़ा भारत है, इस भारत को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो नियम कायदा कानून होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जब संविधान निर्माण हुआ तब ही संविधान चलाने के लिए, इससे पहले भी नियम राजा महाराजा थे और अब नियम कायदा कानून चलाते थे। लेकिन राजा महाराजा के बाद क्या हो गए, बहुत सारे कंपनी भारत में आते गए, जिसमें अंग्रेज कंपनी ने क्या किया, भारत के शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने के बाद वो भारत पर अधिकार कर लिया। भारत में अधिकार करने की वजह से उस कंपनी का ताकत काफ़ी बढ़ रहे थे। तो ब्रिटेन में जो उस साम्राज्य थे, क्योंकि हर देश का शासन व्यवस्था चलाने वाला तो वो साम्राज्य होता है, तो उनको कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि ये यदि मजबूत हो जाएंगे तो हमारे हम पे ही भारी पड़ सकता है, ऐसा होगा ना। कहने का तात्पर्य ये, यदि एक जंगल में शेर आ जाए तो उससे जितना भी छोटे जानवर होगा सब में खौफ आ जाएगा, मतलब डर होगा। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था और इसी डर को डर से क्या किए, कंपनी पे अब कुछ कुछ प्रतिबंध लगाना शुरू किया। और पहला प्रतिबंध 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास करके उस पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया। तो इसी क्रम में एक सिलसिला चला और सिलसिला चलते हुए 1781 ईस्वी में संशोधन किया गया रेगुलेटिंग एक्ट को, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर इसके बाद चार्टर एक्ट 1793 के बाद 20 वर्ष के क्रम में रेगुलर आते रहा और ये 1753 में लास्ट चार्टर एक्ट आया। तो आप जितना भी चार्टर एक्ट का क्रम है आप वो क्रम पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको पता है कि 1857 का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब घटना घटा जिसकी वजह से युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद कंपनी कहीं ना कहीं यही ताक में था कि कुछ ऐसा घटना घटे जिसके वजह से हम कंपनी के जो हाथ में शक्ति है वो शक्ति अपने हाथ में ले सके। और 1857 के बाद 1858 का अधिनियम पारित करने के बाद कंपनी के की शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और कंपनी की शासन व्यवस्था समाप्त करने के बाद ब्रिटेन का शासन का सीधा सीधा अधिकार ब्रिटेन का हो गया। अब ब्रिटेन ने फिर क्या किया, 1861 में पहला अधिनियम लाया, इसके बाद फिर 1891, फिर 1913, 1935 और इसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। तो इसी क्रम में ये इतना अधिनियम है, आप जब पढ़ने लगेगा तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट हो आप उसको नोट डाउन करते हुए
पढ़िए, क्योंकि इसमें से रेगुलर क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो आप ये एक क्रम अपने मैप दिमाग में हॉलो फ्रेम तैयार कीजिए। इसके बाद ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ गए, अब समझिए संविधान निर्माण करने की क्यों जरूरत पड़ा। 1946 में अंग्रेज ने घोषणा कर दिया कि आप अपना संविधान निर्माण कीजिए, आपको 1948 ईस्वी में हम स्वतंत्र कर देंगे। तो क्या किया, इसके लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन करने के बाद सबको सबका अधिकार दिया गया, हर आदमी को तो उस संविधान में इन्वॉल्व नहीं किया गया, लेकिन हर प्रांतों से चुना गया जो राजनेता थे वो इन्वॉल्व हुए और सब मिल के क्या किया, संविधान का निर्माण किया। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण करने के बाद उस टाइम में संविधान का 395 अनुच्छेद और 22 भाग 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हो गया, लेकिन संविधान को जो पूर्ण रूप से लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया, और उसके बाद देश में अभी तक जो शासन व्यवस्था चल रहा है वो उसी संविधान का एक रूप है, उसी रूप के अनुसार, उसी सिस्टम के अनुसार आज हमारे देश का पूरा सिस्टम चल रहा है। तो ये तो संविधान निर्माण समझ गए। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना, देखिए संविधान की प्रस्तावना से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, और प्रस्तावना में आपको क्या पढ़ना है ये समझ लीजिए। प्रस्तावना आपको तो याद ही होगा, थोड़ा बहुत तो आप कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो ये जो क्रम है यहाँ से शब्द पूछ लेता है कि समाजवादी शब्द संविधान के कौन से संशोधन में जोड़ा गया, कौन से प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, संविधान के अध्यक्ष कौन थे, मतलब ये सब क्रम पूछता है और यहीं से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, वो भी रेगुलर नहीं पूछता है। इस टॉपिक से यदि देखें बीपीएससी में तो एक मार्क पूछता है, वो भी फिक्स नहीं है, वो डिफरेंट टाइप से कभी पूछता है 1-2 साल पर, कभी नहीं भी पूछता है। तो आप इसको इसी मद्देनज़र में ऐसे ये टॉपिक, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखना और संविधान निर्माण का क्या सिलसिला रहा, इसका प्रस्तावना क्या है, ये आपको बहुत ज़रूरी है पीटी में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में, इसीलिए आप इसको थोड़ा, यदि आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़िए, नहीं तो आपके लक्ष्मीकांत बुक है तो उससे पढ़िए, साथ ही आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो इसमें भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अच्छे से बताया, यदि नहीं है तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, पर आप उसको एक थोड़ा प्रॉपर कहानी बना के पढ़िए, जिससे कि आप लंबे समय तक मेमोराइज कर पाए और आगे अपनी सफलता में इसका उपयोग कर पाए। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।